हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है चेतन प्रकाश और आप देख रहे हो ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले एंड स्क्रीन के बारे में। अगर आपको एंड स्क्रीन के बारे में पहले से ही पता है या फिर आपको पता है कि कैसे आप यूज कर सकते हैं एंड स्क्रीन को अपने वीडियोस के अंदर, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आप कैसे जो है एंड स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको यूट्यूब स्टूडियो ही यूज करना पड़ेगा। तो आज से ही आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए कैसे जो है आप यूट्यूब स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंड स्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरे इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंड स्क्रीन होता क्या है। जब आप किसी भी वीडियो को पूरा देखते हैं, मतलब किसी भी वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं, तो उसके लास्ट के 20 सेकंड के अंदर जितना भी पार्ट आपको दिखाया जाता है उसको बोलते हैं एंड स्क्रीन। अब उस एंड स्क्रीन के अंदर आपको कुछ एक एलिमेंट्स दिखाई देते होंगे, जैसे कि किसी वीडियो का क्लिप वहां पे आ रहा है या फिर किसी के चैनल का लोगो वहां पे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एंड स्क्रीन। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एंड स्क्रीन के बेनिफिट क्या होते हैं, अगर आप किसी वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए मैं क्रिएटर हो रहा हूं, मैं अपनी वीडियोज के अंदर एंड स्क्रीन को यूज कर रहा हूं, तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है। तो जितनी भी वीडियोज को मैं वहां पे लगाऊंगा या फिर अगर मैं अपने चैनल को लोगो वहां पे लगाऊंगा, तो आप उस चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करके वहीं से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी मैं वीडियो सजेस्ट करूंगा आपको उनको आप डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करके डायरेक्ट उनको आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप उस क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसके ऊपर रेफर कर दिया जाएगा। इससे एक व्यूअर को भी बेनिफिट मिल जाता है और एक क्रिएटर को भी बेनिफिट मिल जाता है अपनी वीडियो की रीच को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि आप यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एंड स्क्रीन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर के ऊपर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आप कैसे एंड स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है डेस्कटॉप वाले वर्जन के अंदर, उसके बाद आपको चले जाना है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। अगर आप एक पुराने यूट्यूबर हैं तो आपको क्रिएटर स्टूडियो की ऑप्शन आ रही होगी, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको यूट्यूब स्टूडियो बीटा की ऑप्शन आ रही होगी, तो आपको डायरेक्ट उसके अंदर चले जाना है। अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं तो आपको एक ऐसी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी ट्रा स्टूडियो बीटा, इसके अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर आ जाएंगे। यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर आने के बाद आपको वीडियो वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। वीडियो वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद जिस वीडियो के अंदर आप एंड स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वीडियो वाली सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग वाली ऑप्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आइकन आपको मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो वाली एडिटिंग की ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एंड स्क्रीन को। जब आप सबसे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा ऐड एन एंड स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी जहाँ से आप एंड स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं बहुत सारी फाइलों को, बहुत सारे टेम्पलेट्स को, जहाँ पे आपको ब्लैंक टेम्पलेट मिल जाता है, वन वीडियो और प्लेलिस्ट, वन सब्सक्राइब, ये मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैंक वाला ही अप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी चार अलग अलग ब्लैंक एंड स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद अगर आप इनके अंदर कुछ भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी लेफ्ट साइड के अंदर एलिमेंट की, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी और ऑप्शन मिल जाती है जहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट, सब्सक्राइबर, उसके बाद चैनल लिंक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो के अंदर जितने भी वीडियोस आपने अपलोड करी है उनको आप एंड स्क्रीन के अंदर लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट को आप लगा सकते हैं, आप अपने सब्सक्राइब के लिए चैनल का लोगो भी आप अपना लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी और का चैनल सजेस्ट करना चाहते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर तो उसका लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर तो उसको भी यहाँ पे आप इसके थ्रू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई वीडियो एंड स्क्रीन में यूज़ करनी है तो यहाँ पे क्लिक करते यहाँ पे ऊपर आपको चले जा रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी मोस्ट रिसेंट अपलोड या फिर बेस्ट फॉर व्यूअर्स, उसके बाद चूज अ स्पेसिफिक वीडियो, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जितने भी वीडियोस अपलोड करी हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और जिस वीडियो को आपको यहाँ पे लगाना है उसको यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को यहाँ पे लगा लिया है, और जब आप अपनी सभी वीडियोस को लगा लेंगे, अगर आप सभी चैनल को लगा लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपकी एंड स्क्रीन जो है अच्छे से सेव हो जाएगी, यहाँ पे आपको बता देगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कैसे आप अपने वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन को यूज कर सकते हैं और क्या मतलब होता है एंड स्क्रीन का और क्या बेनिफिट आपको एंड स्क्रीन के मिल जाते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं किसी और ऑप्शन के बारे में यूट्यूब स्टूडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके बता सकते हैं और अगर आप आना चाहते हैं सब इंटरेस्टिंग वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपके पास पहुंच सके मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों कैसे आपको वीडियो लगी, अगर आपका कोई सवाल तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूंगा आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर मेरे को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।